एक खास जनजाति जिनकी शक्ल तो इंसानों जैसी मगर पैर ऑस्ट्रिच की तरह दो उंगलियों वाला होता है। ये लोग न तो ठीक से चल पाते हैं और ना ही जूते पहन पाते हैं, मगर पेड़ों पर चढ़ने के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, ये खास जनजाति डोमा ट्राइब के नाम से मशहूर। इन जनजाति के लोगों को वोडाबो या फिर बंतवाना ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अक्सर ऑस्ट्रिच पीपल भी कहा जाता है क्योंकि इनके पैर ऑस्ट्रिच के जैसे होते हैं। इन लोगों के पैरों की बनावट हमारी तरह पांच उंगलियों और पंजों की तरह न होकर सिर्फ दो उंगलियों वाली है। दोस्तों, ये जनजाति जिम्बाब्वे के कानियम्बा रीजन में पाई जाती है। इस पूरे समुदाय को एक खास जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे एक्ट्रोडैक्टली कहा जाता है, और इसी कंडीशन की वजह से ही इनके पैरों में पांच की बजाय दो उंगलियां ही होती हैं जो कि अंदर से मुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, इस जेनेटिक म्यूटेशन को लोबस्टर क्लो सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें पैरों से एक या कई उंगलियां जन्म से ही मिसिंग होती है। माना जाता है कि डोम ट्राइब के हर चौथे बच्चे को ये दिक्कत होती है और ज़्यादातर लोगों के पैरों के बीच की तीन उंगलियां गायब होती हैं। दोस्तों, कानूनी तौर पर ये जनजाति के लोग दूसरे समुदाय में शादी नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे समूह के अंदर शादी करने की मनाही है ताकि ये बीमारी अन्य जनजाति के लोगों में न फैले। लेकिन दूसरे समुदाय में शादी करने के रोक के बावजूद ये स्थिति कालाहारी रेगिस्तान के तलौंडा या तलौते कलंगा सहित अन्य जनजातियों में भी मौजूद है। खास बात तो ये है कि ये अपनी स्थिति को विकलांगता नहीं समझते, इसे अपनी खूबी के तौर पर देखते हैं और अपनी इस स्थिति का जश्न मनाते हैं। इनका मानना है कि इसी खूबी की वजह से ही ये पेड़ों पर तेजी से चढ़ पाते हैं। इस जनजाति के लोग अपना पालन पोषण करने के लिए पेड़ से फल तोड़ते हैं, शिकार करना पसंद करते हैं, मछली पकड़ते हैं और शहद एकत्रित करते हैं। दोस्तों, आपका इस जनजाति के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।